कर लिया नोट आपने। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर करेंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने डेटर लिखा है ना अभी, उस डेटर के आगे आपने रजिस्टर में नोट किया होगा स्लैश करके बुक डेट्स भी कर लेना। डेटर का एक नाम होता है बुक डेट्स भी बोलते हैं, याद रखना आप, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो बुक डेट्स भी बोलते हैं। तो बेड डेट्स, बेड डेट्स होता है हमारा क्या होता है, देखते हैं, पैसा डूबना, पैसा डूबना, डूबना। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। मान लो मिस्टर मोहन ने, मोहन ने एक मोहन व्यक्ति है और ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, ठीक है। मोहन जो दुकानदार है, इसने क्या करा, इसने सामान सोल्ड किया और क्रेडिट पे और 50,000 का बेचा। किसको बेचा, मान लेते हैं दीपक को। आप मुझे जवाब दीजिएगा, जब मोहन दीपक को उधार सामान बेचता है तो क्या बोलेगा इसको, इसको बोलेगा डेटर। कोई डाउट इसमें, नहीं सर अभी देखा था, डेटर बोलेगा। हुआ ये कि मान लो दीपक के हालात इतने खराब हो गए कि वो हमारे पैसे नहीं दे रहा, या दीपक रातों रात घर छोड़ के चले गया, या दीपक की डेथ हो गई मान लेते हैं, तो दीपक चला गया छोड़कर, तो क्या ये 50,000 रिकवर किए जा सकते हैं? नहीं, ये 50,000 रिकवर नहीं किए जा सकते, ये इररिकवरेबल है हमारा अमाउंट। तो ऐसा पैसा जब कभी भी कोई सामान किसी को उधार बेचते हैं और वो पैसा नहीं दे पाता या डिनाई कर देता है या हमारा रह जाता है पैसा, तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये 50,000 मेरा डेटर नहीं है। जब वो मना कर दे तो अब ये डेटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बेड डेट्स में। बेड डेट्स में समझ में आई आपको बात, इसको क्या बोलेंगे हम, बेड डेट्स। तो बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी को उधार माल बेच देते हैं और जब वो हमारा पेमेंट नहीं देता तो हम बोलेंगे हमारा पैसा डूब गया, यानी वो क्या हो गया, बेड डेट्स। तो आप बेड डेट्स देखें क्या है, बेड डेट्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। कहता है इट इज द अमाउंट, ये वो पैसा है दैट हैव बिकम इररिकवरेबल, जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, किससे, फ्रॉम डेटर से। इट इज बिजनेस लॉस, और ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, यानी बिजनेस के लिए क्या होगा, ये हमारा बैड डेट्स लॉस होगा, खर्चा होगा, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं, ये क्या सेंटेंस है, इसे हम बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डेबिट किया जाता है। तो एक बार फटाफट से आप इसको बैड डेट्स को नोट करिए, फिर हम अगले डेफिनेशन पे आएंगे, सोलवेंट और इनसॉल्वेंट पे, ठीक है। तो आप बैड डेट्स को नोट करिए फटाफट से। कर लिया नो, चलिए अब बात करते हैं इनसॉल्वेंट। एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 मेरे अकॉर्डिंग इनसॉल्वेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया होना, दिवालिया, जिसको बैंक करप्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इनसॉल्वेंट क्या होता है, अब इंसॉल्वेंट हर कोई नहीं हो सकता, इसके भी रूल होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मिस्टर राम, मिस्टर राम ने क्या किया, गुड्स बेचा, या फिर एक दूसरा अनदर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया,
ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, ये रहा इसका बिजनेस। ये बिजनेस है, इसका बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मिस्टर राम का। और बिजनेस में जो इसने पैसा लगाया, एक तो बैंक से पैसा लिया, ठीक है, एक बैंक से पैसा। एग्जाम्पल देखना, कभी भूलोगे नहीं आप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बैंक से पैसा, कितने पैसे लिए? मान लेते हैं 1 करोड़। और दूसरा कहाँ से लिया इसने? रिलेटिव से पैसा लिया और बिजनेस में लगा दिया। तीसरा कहाँ से लिया? पब्लिक से पैसा लिया और लगा दिया। चौथा कहाँ से लिया? चौथा इसने लिया, मान लेते हैं, फाइनेंशियल। चौथा इसने अपना खुद का सेल्फ लगाया, इसने ये लगाया। इसने जब इसने सारे बिजनेस के अंदर राम ने क्या करा, पैसे लगा दिए, इससे 1 करोड़, इससे 50 लाख, इससे 10 लाख, और सेल्फ का 2 करोड़ रुपए लगाए इसने। बिजनेस स्टार्ट हो गया, बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था इसका। बिजनेस में कोई कमी नहीं है बच्चे, बिजनेस बहुत ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है, करोड़ों का कारोबार हो रहा है और बिजनेस बहुत ठीक चल रहा है। हुआ क्या, राम ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा रखी है 2 करोड़ में, अपना घर भी बेचा हुआ है, अपनी बीबी के गहने भी बेच दिए हैं, अपने सारी चीजें गिरवी रख के लगाया हुआ है। सोचा इसने बिजनेस चलेगा तो सब एक बार में आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, एक दिन अचानक से इसके दुकान में, इसके बिजनेस में क्या हुआ बताइए? आग लग गई किसी रीजन से। आग लगने के बाद सब कुछ इसके अंदर नष्ट हो गया, इसका सारी मशीनें जल गई, सारे गुड्स जल गए, सब कुछ जल गया। बैंक को पता चला, बैंक फटाफट आया यहाँ, अरे क्या हो गया। इसके बाद रिलेटिव को पता लगा, रिलेटिव आया, पब्लिक को पता लगा, पब्लिक, इसको पता लगा, ये भी यहाँ पे आ गया। अब बैंक का मैनेजर आता है, बोलता है, अरे यार आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत दुख की बात है। रिलेटिव भी बोलते हैं, हमने सोचा नहीं था, आपने तो इतनी मेहनत करी। पब्लिक भी बोलती है, भाई साहब आपके साथ बड़ा बेकार हुआ है। लेकिन इसकी टेंशन तो बहुत ज्यादा है, उनसे ज्यादा इनको भी टेंशन है। बताओ क्यों टेंशन होगा? ये सोच रहा होगा बैंक, यार अब मेरे पैसे कहाँ से मिलेंगे। रिलेटिव सोच रहा होगा, मेरे पैसे कहाँ से देगा अभी ये पब्लिक। तो ये सब आते तो हैं, और ये मिस्टर राम से बोलते हैं, भाई तू डूब गया, हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में कमा लोगे, लेकिन मेरे पैसे कब दोगे? राम बोलता है, यार देखो इस सिचुएशन पे बात करना ठीक नहीं है, मैं आपके पैसे दूंगा, मैं बड़ा ही ईमानदार इंसान हूं, मैं आपके पेमेंट दूंगा टाइम पे, आप चिंता क्यों करते हो। अब राम के पास पेमेंट है नहीं, चलो आग भी बुझ गई, 2 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने, बैंक घर पे, भाई तुम्हारा घर बिक रहा है, पेमेंट लाओ। रिलेटिव, भाई पेमेंट लाओ। पब्लिक, भाई पेमेंट लाओ। डेली इससे पेमेंट 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 मांग मांग के इसका दिमाग खराब कर देंगे। इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये इन सबको मार दे, एक पिस्टल खरीदे और इन सबको मार दे, दूसरा या तो ये क्या करे, खुद लेट जाए। लेट जाए का मतलब डेथ हो जाए इसकी। दो ही तरीके हैं इसके पास, है कि नहीं? खुद डेथ हो जाए इसकी। अब इस तरीके से हुआ, राम ने बोला, भाई मेरे पास पेमेंट नहीं है, लेकिन विश्वास करो मैं आपके पेमेंट दूंगा। नहीं मान रहा। एक दिन राम क्या करता है, मरने के लिए फांसी लगा लेता, लेकिन बच जाता है, किस्मत बड़ी अच्छी है। बचने के बाद ये क्या करता है, ये पुलिस वाले इसको ले जाते हैं कोर्ट के। आपको पता होगा कि सुसाइड कर लेना गुना नहीं है, वो तो हो गया, करने की कोशिश करना गुना है। तो इसको कोर्ट ले गए, कोर्ट में बोले, भाई क्या बात है? इसने बोला, भाई साहब ऐसे ऐसे सिचुएशन है, बैंक, रिलायंस और रिलेटिव और ये सब हमसे पैसे मांग रहे हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, बस एक ही चारा बचा है कि मैं मर जाऊं जाके। अब कोर्ट के वकील और कोर्ट के जज ने देखा ये तो बड़ी समस्या है। कोर्ट ने इसको एक सर्टिफिकेट इशू किया और सर्टिफिकेट में लिख दिया कि मिस्टर राम जो है, इसका सारा नुकसान हो चुका है,
इसके पास 1 रुपए भी नहीं है इस टाइम पे, और ये जेन्युइन बिल्कुल केस है। तो जिस जिसके पैसे डूबे हैं उनके पैसे दे देगा ये, लेकिन अभी इससे पैसे ना मांगे। अगर इससे बार बार पैसे मांगोगे तो ये आत्महत्या कर लेगा। तो अब बताओ, क्या बैंकर आएगा? और आत्महत्या अगर ये करता है तो उसके मौत का जिम्मेदार, उसका सुसाइड करने का रिस्पॉन्सिबल वही होगा जिसने पैसे मांगे। अब बैंक यहां से आएगा तो, लेकिन इसके साइड से निकल जाएगा, और भाई साहब रिलेटिव आएगा, बोलेगा और भाई साहब ठीक, पता है अगर मैंने बोला और ये मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो बैंक ने इसको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया, और ये सर्टिफिकेट इशू करने के बाद अब बोलेंगे राम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो ऐसे इंसॉल्वेंट नहीं होता कि मैंने किसी से पैसे उधार ले लिया और बोल दूंगा मैं इंसॉल्वेंट हो गया और मुझसे पैसे नहीं। पूरा प्रोसीजर होता है, बैंक करप्शन करना पड़ेगा आपको सब जगह से। आपको विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर कह रहा हूं मैं, आप डिफॉल्ट हो गए, उसकी पूरी जांच होगी, तब कोर्ट आपको प्रूव करेगा आप डिफॉल्ट हुए। तो देखिए इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में समझ में आया आपको ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? डेफिनेशन देखिए, अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज नॉट इज इन अ पोजीशन टू पे। कोई भी पर्सन और एंटरप्राइजेस इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पे कर पाए, इट्स डेब्ट कॉल्ड इंसॉल्वेंट। उसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। तो समझ में आई बात आपको कि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैंक करप्ट या दिवालिया। तो एक बार इस एग्जाम्पल को नोट करिए आप, अगर इससे कोई पैसा मांगेगा तो ये मरने के बाद कौन जिम्मेदार होगा बताओ, वही, इसको सर्टिफिकेट मिला इसलिए इसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। तो एक बार फटाफट नोट करिए, इंसॉल्वेंट के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे किस चीज पे, आगे डिस्कस करेंगे हम सॉल्वेंट पे, ठीक है? तो फटाफट नोट करिए आप। कर लिया नोट। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट इसी का वाइसा वर्सा है, अपने डेट का पेमेंट नहीं कर पाया, अपने कर्जे का, डेट वर्ड आया एक, डेट का मतलब कर्जा। इसके बाद एक वर्ड है हमारा पॉइंट नंबर 11, सॉल्वेंट मतलब बिल्कुल सही पर्सन। मान लेते हैं अब मिस्टर राम, आप बोलोगे सर हर बार राम का क्यों, एग्जाम्पल ले। तो मैंने बोला सर भाई राम एक एग्जाम्पल है और भगवान का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। राम ने क्या करा, एक उधार खरीदा हुआ है और अपने बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, इसने उधार पैसे लिए हुए हैं किससे, मोहन से। मोहन से उधार पैसे लिए हुए हैं, कितने लिए हुए हैं इसने, 50 लाख उधार लिए हुए हैं, और भी लोगों से लिया हुआ है, मोहन सोहन से। अब मोहन इसके दुकान पे आता है, मोहन इसके दुकान पे आता है और बोलता है भाई राम मेरे पैसे दो, बहुत टाइम हो गया। मोहन ने बोला भाई पैसे देने, ये लो चेक, एक चेक निकाला और चेक पे साइन करे और बोला ये लो अपने 50 लाख दे दिया। तो बताओ क्या मोहन अपने डेप्ट का उधार, कर्जा, कर्जा का मतलब होता है हमारा, अगर बोला जाए तो डेप्ट भी बोलते हैं इसको, अपने डेप्ट का पेमेंट कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई तुम तो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, आपको क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन यही अगर ये अपने डेप्ट का पेमेंट नहीं कर पाता तो मैं इसको क्या बोलता बताओ, इंसॉल्वेंट बोलता। तो हमारा ये कौन है, हमारा सॉल्वेंट। तो एक बार फटाफट से डेफिनेशन देखते हैं सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट में क्या कहता है, अ पर्सन और एंटरप्राइजेस विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, अपने डेट्स का पेमेंट करने के पोजीशन में है, और इट्स कॉल सॉल्वेंट। तो आप फटाफट नोट करिए, इसके बाद फिर से हम आगे डेफिनेशन देखेंगे। बोर नहीं होना आपने, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना है। कुछ एक वर्ड तो है, बस ये 4 नंबर ही आते ही आपके स्टार लगने वाले हैं, आपके यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होने वाला है आपका बस। तो आपको बोर बिल्कुल नहीं होना, आराम से एकदम अच्छे से नोट करिए आप, ठीक है?
नोट करिए फटाफट, रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है। हाँ जी, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। प्रीपेड या फिर बोलूं मैं अनएक्सपायर्ड या फिर मैं बोलूं रिलेट टू नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, आगे आने वाला टाइम, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है और नेक्स्ट वीक भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो चलिए, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब होता है हमारा प्रीपेड। आपके मोबाइल फोन हर कोई यूज करता है आज के टाइम पे, तो मोबाइल फोन के अंदर दो तरीके के बिल होते हैं, एक पोस्ट पेड कनेक्शन होता है, प्रीपेड। पोस्ट पेड मतलब पहले, पोस्ट पेड कनेक्शन में क्या होता है कि पहले आप बातें कर लो, खर्च कर लो, उसके बाद आपके घर पे बिल आएगा। प्रीपेड में क्या होता है, जब पहले आप बैलेंस डलवाइए, आप बात करो चाहे मत करो लेकिन पैसा तो देना ही है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब होता है, देखा जाए तो आपके मोबाइल एक्स जो है बिल आपके लिए क्या है, इनकम या खर्चा? खर्चा है। तो प्रीपेड हमारा एडवांस में क्या करते हो आप, खर्चा तो करते हो लेकिन पहले यूज या एक्सपेंस, पहले खर्चा पेड करते हो फिर यूज करते हो, तो एडवांस एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस बोलेंगे खर्चे को पहले करना। और एडवांस खर्चा करा आपने, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आप मुझे बताइएगा, फिर इसके अगले पॉइंट पे चलेंगे। मान लो मैंने अपना इंस्टीट्यूट रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है, मैंने अपना इंस्टीट्यूट रेंट पे लिया हुआ है, तो रेंट पे अगर मैंने लिया हुआ है, इसका रेंट है मान लेते हैं कि 25,000 रुपए, 25,000 पर मंथ। मैं जैन में हूं, अभी जैन की बात कर रहा हूं। अब मैंने मकान मालिक को क्या करा, पूरे मैंने 1,00,000 रुपए रेंट पेड कर दिया। तो आप मुझे बताइए, जो मैंने 1,00,000 रुपए रेंट पेड किया, क्या मेरा मकान का किराया 1,00,000 था? नहीं सर, मकान का किराया तो 1,00,000 था ही नहीं, तो मेरा मकान का किराया कितना था बताइए, 25,000। तो मैंने कितना एडवांस पेड कर दिया, इसमें से आपने सर 75,000 तो एडवांस दे रखा है और बाकी का 25,000 तो आपने सही किराया दिया हुआ है। तो ये जो एडवांस दिया हुआ है इसको बोलेंगे प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड रेंट, और इसको बोलेंगे सिंपली रेंट, इसके आगे प्रीपेड नहीं लगाना। तो क्या सर, किसी भी खर्चे के आगे प्रीपेड लगा दें तो वो एडवांस हो जाता है? बिल्कुल सेम। ऐसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा 5,000 का है, मैंने डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट को जाके, सपोज करो 8,000 रुपए। तो क्या 8,000 पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है? नहीं, हम पूरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बोलेंगे, इसमें से हम 3,000 रुपए को बोलेंगे प्रीपेड और बाकी का जो 5,000 है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और ये तो देखो, मकान मालिक को जैसे मैंने किराया 75,000 दिया और मेरे और मकान मालिक के बीच में कोई डिस्प्यूट, कोई फाइट, लड़ाई झगड़ा हो गया, मकान मालिक ने बोला तू अब भी खाली कर मेरा मकान, मैंने बोला ठीक है मेरे पैसे दे दो मैं खाली करूंगा, तो ये पैसे जो है ये मैं रिटर्न ले सकता हूं या नहीं ले सकता? लिया जा सकता है, जनरली लिया नहीं जाता लेकिन लिया जा सकता है। तो प्रीपेड आपको वापसी मिल सकता है, तो आपके लिए कर्जा है या एसेट? सिंपल सा जवाब आपने दिया सर, वापस ले सकते हो, तो आपका ही तो ये एसेट है यानी संपत्ति, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं एक चाय की दुकान पे गया और टी की दुकान पे मैंने बोला कि भैया कि ये चाय कितने की, उसने बोला सर ये 10 का है, 10 रुपए का, मैंने उसको 50 रुपए पेड किए। चाय वाले ने इधर उधर देखा और उसके पास खुले है नहीं, मैंने बोला चलो भैया मैं बाद में लगा लूंगा इसे,
तो जो 50 रुपए है ये सारा टी का एक्सपेंस है या अलग अलग है? नहीं, इसमें टी का सिर्फ एक्सपेंस कितना होगा आपका? 10 रुपए। बाकी आपका होगा प्रीपेड टी एक्सपेंस। समझ में आया? यानी खर्चे को जब हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और प्रीपेड का मतलब अनएक्सपायर्ड भी है, रिलेट टू नेक्स्ट। मैंने बोला कि भैया आप 2,000 रुपये लो और इसमें 1,000 अगले महीने के मैं अभी एडवांस दे रहा हूं, और ये खर्चे के आगे लगेगा, सिर्फ इनकम के आगे नहीं लगाना आपने। किसके खर्चे? अब बताओ, मैंने वर्कर को सैलरी देना है 2 महीने का, मैंने 5 महीने का दे दिया नोटबंदी के टाइम में, तो क्या यहाँ प्रीपेड है? बिल्कुल सर, 2 महीने का तो नॉर्मल सैलरी और बाकी 3 महीने का आपका क्या माना जाएगा? प्रीपेड माना जाएगा। क्लियर आपको? तो एक बार प्रीपेड की डेफिनेशन देखते हैं क्या मेंशन है। प्रीपेड की डेफिनेशन है आपका, मैंने यहां तक कितने पॉइंट कर लिए थे? 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर पॉइंट है ये मेरे हिसाब से तो, और बाकी आपके नोट्स में आगे पीछे हो सकता है तो वो देख लेना आप एक बार। तो देखिए, प्रीपेड क्या कहता है? इन सम केसेस द बेनिफिट ऑफ अमाउंट ऑलरेडी स्पेंट। कुछ ऐसे केसेस हैं जो अमाउंट जो आपने पहले से ही खर्च कर दिए उसका बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका पैसा आपको बेनिफिट मिलेगा। सच पार्ट ऑफ एक्सपेंस कॉल्ड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। बड़ा ही आसान एक्सपेंस है, एग्जाम्पल है हमारा और डेफिनेशन भी है कि ऐसे खर्चे जिसको हमने पेमेंट कर दिया है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो वो जो पार्ट है उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? बाद में लेंगे। खर्चा हमने अभी पेमेंट अभी कर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको आप बोलते हो नॉर्मली एडवांस जमा करा है। मान लो बुक्स वाले से आपने क्या करा, बुक खरीदनी है और आपने क्या करा, उसको एडवांस पैसे दे दिए और बोला कि भैया मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा, तो वो आपका बुक का जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा है? प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से नोट करिए एक बार आप प्रीपेड एक्सपेंस, फिर इसके बाद हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नोट करिए फटाफट। बहुत अच्छे से करना है आपको। कर लिया नोट आपने? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, या इसको हम बोल सकते हैं एरियर, या इसको बोल सकते हैं ड्यू, या इसको बोल सकते हैं अनपेड, या इसको बोल सकते हैं एक्रूड, या इसको बोल सकते हैं पेबल। इन सब का मतलब एक ही होता है अकाउंट्स के अंदर। और ये हम किसके लिए बात करेंगे? हमेशा खर्चे के लिए। इसका हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो सिंपल वर्ड में, मैंने खर्चा तो कर दिया, खर्चा कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं किया, लेकिन पेमेंट नहीं किया। खर्चा तो कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल देखते हैं। बिजनेसमैन है मिस्टर राम। अब यहां पे कुछ वर्कर काम करते हैं। इस वर्कर की सैलरी 4,000 रुपए है या 40,000 रुपए है हर महीने की। अब राम के सामने कुछ समस्या आई, नोटबंदी आ गया, डीमोनेटाइजेशन। राम ने अपने वर्कर को बोला, भाई पैसे की तो अभी समस्या है, मैं आपको सैलरी अगले महीने दे दूंगा। क्या राम ने, और ये नवंबर के मंथ में आया था याद है आपको, क्या नवंबर के मंथ में राम ने एक जॉब नहीं किया? किया राम ने जॉब। क्या इसे सैलरी नवंबर वाला मिल जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए, लेकिन मैं इसकी पेमेंट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूं मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो नवंबर के मंथ में इसके सैलरी को मैं बोलूंगा आउट स्टैंडिंग सैलरी, यानी आपका सैलरी देना भी बाकी है। या बोल सकता हूं एरियर है आपका सैलरी, या बोल सकता हूं सैलरी ड्यू, या बोल सकता हूं अनपेड सैलरी, मतलब एक ही है, एक्रूड या फिर पेबल। एक्रूड वर्ड बेसिकली इनकम के साथ लगाया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खर्चे के साथ लगे तो मतलब यही आएगा। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 रुपए का, लेकिन आपने सिर्फ पेड किया 7,000 रुपए, तो 7,000 तो पेड हो गया, बाकी कितना पेड नहीं किया, तो वो क्या कहोगे? आउट आउटस्टैंडिंग बिल कितने रुपए का आएगा यहां पे? 14,000 रुपए का। क्लियर? तो ये माना जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग बिल कितने का? 14,000 रुपीज का। एक और एग्जाम्पल लो, चलो मान लेते हैं रेंट। मकान मालिक को मुझे किराया देना था 10,000 रुपए जनवरी के महीने में, लेकिन मैंने मकान मालिक को जनवरी में किराया नहीं दिया, तो मैं मकान मालिक के रेंट को अब रेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं रह तो चुका हूं। अब मैं फरवरी में मैंने पेमेंट नहीं किया, किसका पेमेंट नहीं किया? जैन का। तो फेब में बोलूंगा मेरा क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट ड्यू। क्लियर है आपको? तो आउटस्टैंडिंग, एरियर, ड्यू, अनपेड, एक्रूड, पेबल, इसका मतलब हमें देना बाकी है। अगर देना बाकी है तो बताइए आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ये सर होगा लाइबिलिटी। क्या होगा हमारा? ये होगा लाइबिलिटी। समझ में आई आपको बात में? आपको बात समझ में आई? तो हमने अभी क्या करा? हमने करा अभी स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं, ड्रॉइंग, कैपिटल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, बीआर, बीपी, और बीपी के बाद क्रेडिटर, बैड डेट, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, और इसके बाद हमने किया प्रीपेड। अब ये आउटस्टैंडिंग, अब इसको भी नोट करिए आप, फिर हम अगले डेफिनेशन पे चलेंगे, एक्रूड इनकम पे। फटाफट से नोट करिए आप एक बार। जल्दी जल्दी नोट करिए।
आपको रिवीजन डेली करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवीजन आपको करते रहना है। कैसे रिवीजन करना है? बस आपने एक बार नोट कर लिया, वीडियो देख लिया, डेली सुबह उठ के पेजेस पलट के देखना, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब, इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी वर्ड हो सकता है। और जैसे जैसे बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, तो आपका आगे कितने भी पॉइंट्स आ जाए, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप इजीली जवाब दे सकते हो उसमें। कर लिया नोट? अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक्रूड या फिर हम बोल सकते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक्रूड या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव का, इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। मान लो मिस्टर राम है, इसने लोन दे दिया, 10% पे लोन दिया इसने मिस्टर श्याम को, लोन दे दिया मिस्टर श्याम को। अब मिस्टर राम ने 10% लोन दे दिया मिस्टर श्याम को, हुआ क्या? मिस्टर श्याम जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट है, 1 लाख रुपए का लोन था, तो 10,000 रुपए इसको ब्याज जैन में देना था, लेकिन मिस्टर श्याम फेल हो गया देने में, अब वो फेब तक इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो राम अपने बिजनेस में क्या बोलेगा? श्याम की बातें छोड़ दो, हम राम की बात करेंगे। राम क्या बोलेगा? हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, या फिर बोलेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। देखो आपने एक्रूड वर्ड वहां आउटस्टैंडिंग में भी देखा था, लेकिन वो खर्चे के लिए था। अगर कोई भी इनकम आप कमा लेते हो लेकिन आपको मिलता नहीं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? एक्रूड वर्ड, या फिर रिसीवेबल वर्ड भी लगाते हैं, एक रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल, ठीक है? तो इसका मतलब है आपका इनकम कमा लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं किया, तो आज नहीं तो कल हमें मिलेगा। तो बताइए ये एसेट से ये लाइबिलिटी? तो सिंपल जवाब होगा, सर ये तो हमारा है एसेट। क्लियर आपको? तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सारा रिवाइज भी कर लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो एक्रूड इनकम इंटरेस्ट बट नॉट रिसीव नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट डेफिनेशन भी देखेंगे। यहां तक देखिए, पहले कोई डाउट नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल ले लो। चलो भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कमीशन लेना है 10,000 रुपए, लेकिन 10,000 में से सिर्फ आपको 2,000 मिले हैं, तो ये तो कमीशन रिसीव हो गया, लेकिन जो आपको यहां पे 8,000 नहीं मिला, इसको आप बोल सकते हो एक्रूड कमीशन। इसको क्या बोलोगे? एक्रूड कमीशन। क्लियर आपको? तो अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोटिंग जरूर करना साथ के साथ, नोट्स में सब कुछ है, इंटरनेट पे सब कुछ, आपके नोट्स जो आपके हैं इंटरनेट पे जो है वो पब्लिक का है, यूट्यूब पे पब्लिक में क्लासेस वो आपके नहीं है, जो आपका रजिस्टर है वही आपका नोट्स है, तो उस पर नोटिंग जरूर होना चाहिए, तो आप अपने काम से पास हो सकते हो, दूसरे के काम से नहीं हो सकते। तो आप फटाफट से एक बार नोट करिए, फिर इसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे और इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आगे डिस्कस करेंगे। अब आप फटाफट से नोट करिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बाय बाय। कर लिया नोट?
चलिए ठीक है।